उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक प्राइस के बारे में। थोड़ा सा टारगेट डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और आज मार्केट ने जिस तरीके से बिहेव किया या जो मोमेंटम मार्केट के अंदर आज देखने को मिला है उसके बारे में बात करेंगे, ऐसा क्यों हुआ, और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, प्रिडिक्शन लगाने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। देखिए आज जब मार्केट ओपन हुआ तो थोड़ा सा गैप डाउन हमें ओपन देखने को मिला। मार्केट गैप डाउन ओपन होने के साथ ही देखिए एक लेवल, मैंने आपको कल अगर आपने वीडियो देखे तो एक लेवल मैंने आपको बताया था, एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट में काम करेगा, ठीक है। वो था, मैंने आपको बताया था 1931 के या 1930 के आसपास का लेवल, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट ग्रीन कैंडल के साथ में ओपन हुआ और ग्रीन कैंडल काफ़ी बड़े बड़े बने, उसके बाद में एक रेड कैंडल भी बना, लेकिन मार्केट का मोमेंटम इस वाले लेवल तक या आप कहिए इस वाले रेजिस्टेंस तक बिल्कुल सेम था। एक ट्रेंड बना हुआ था कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, उसके बाद ट्रेंड चेंज होगा। देखिए इस वाली कैंडल ने, रेड कैंडल ने, जो रेड कैंडल बनाई और रेड कैंडल के बाद में मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला। स्ट्रगल जरूर किया मार्केट ने इस वाले लेवल के पास जो कि था 1899 का लेवल आप कह सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा दो तीन रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी, लेकिन ये मोमेंटम टूटा। उसके बाद ये वाली जो कैंडल बनी, इस वाली कैंडल के साथ में देखिए क्या हुआ कि इस वाले सपोर्ट तलक, जो सपोर्ट मैंने आपको बताया था 1885 या 1886 के आसपास का, जो एक सपोर्ट स्ट्रांग सपोर्ट के रूप में मार्केट में इसने काम किया, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए ये रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर ये रेजिस्टेंस बना, और एक बार नहीं कई बार आप देखिए, एक यहाँ पे आप देखिए एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे इस जगह पे भी रेजिस्ट किया, इस जगह पे भी, इस जगह पे देखिए सपोर्ट बनने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। उस तरीके से फिर मार्केट क्या रहा, पूरा एक तरीके से देखा, एक कोई मोमेंटम मार्केट में नहीं देखने को मिल रहा था। मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज ज़रूर था, ठीक है, ये स्टॉक पूरी तरीके से साइडवेज हो गया था। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो लेवल है 1886 या 1887 का जो लेवल है, ये एक स्ट्रांग सपोर्ट के रूप में मार्केट के अकॉर्डिंगली काम कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफ़ी देर तक सपोर्ट मार्केट ने बना करके देखा, बना करके नीचे आने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन स्ट्रांग रेजिस्टेंस भी आपको देख सकते हैं कि जो 1915 का जो लेवल है या 1914 का जो लेवल है, ठीक है, वो भी एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे आपने देखा, इस जगह पे भी उसी जगह पे रजिस्ट किया, इस जगह पे भी मार्केट ने उसी जगह पे रजिस्ट किया, फिर इससे थोड़ी सी नीचे आकर के मार्केट ने क्लोजिंग दी, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, देखिए अब मैंने आपको देखिए कल भी मैंने एक जो चीज़ बताई थी उसके अकॉर्डिंगली देखिए, आप देखिए अब हो क्या सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बाय करके गए हैं, काफ़ी सारे लोग सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर जिन्होंने एक्सपायरी के लिए खरीदा होगा, ठीक है। एक्सपायरी के अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि बायर और सेलर दोनों ही हैं। कल की डेट में मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लोग बाय करके गए होंगे उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, थोड़ी नीचे की तरफ उनके स्टॉप लॉस होंगे, तो मार्केट हो सकता है कि उनको सबसे पहले बाहर करे, जो भी प्रॉफिट बुक कर रखा है उन्होंने, उनको लॉस में कन्वर्ट करे AI जो करेगा, ठीक है, ठीक है। वो क्या करेगा, डेफिनेटली स्मार्ट मनी मार्केट का क्या करेगा कि उनके स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करेगा। स्टॉप लॉस जैसे ही खा लेता है उसके बाद में मार्केट क्या कर सकता है, एक मोमेंटम देगा, थोड़ा इस तरीके का मोमेंटम होगा, वो मोमेंटम जाएगा इस वाले रेजिस्टेंस तक, जो कि मैंने आपको बताया कि 1514 के आसपास का लेवल है, 1914 के आसपास का जो लेवल है, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ठीक है, ब्रेकआउट अगर देता है तो डेफिनेटली वो अगले लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, जो कि है 1931.35 का जो लेवल है, ठीक है, वहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट थोड़ा सा डिपेंड करता है कि गैप डाउन ओपन होगा, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट ज़्यादा देर, देखो मैं आपको बताऊँ, सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ना अभी एक मोमेंटम जरूर देखने को मिल रहा है कि अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है, तो मार्केट एकदम से नीचे तो नहीं आ सकता। इस तरीके से अगर आप देखें तो एकदम से नीचे आना मार्केट के लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हो क्या सकता है कि उस जगह पे क्या कर सकता है मार्केट, थोड़ा सा परेशान जरूर करेगा, थोड़ा सा संभल के ट्रेड करने वाली चीजें मार्केट दिखाने की कोशिश करेगा, और मार्केट को जरूर से अच्छा सिखाने की कोशिश हमें जरूर से करेगा कल की डेट में, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है, हम कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करते कि आप ट्रेड लीजिए हमारे कहने पे, ठीक है। अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली जो भी प्रॉफिट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, अगर आपका कोई लॉस होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। हम जस्ट ये वीडियो बना रहे हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएँ और अच्छी तरीके से आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।